मंदिर का तो कोई भी दर्शन कर सकता है। उनके बाप ना ही कह सकते हो बिना माफी मांगे, उनके बाप ना ही कह सकते हो बिना माफी मांगे। हमारा महाराष्ट्र के लोगों से विरोध नहीं है, मेरा राज ठाकरे से विरोध है, जिसने मजदूरों को मारा है, जिसने विद्यार्थियों को मारा है, जिसने अखबार वालों को मारा है, सिनेमा वालों को मारा है, मजदूरों को मारा है, उससे विरोध है, महाराष्ट्र से मेरा विरोध नहीं है। सांसद जी, इस राज ठाकरे का विरोध क्यों और इसके लिए क्या तैयारियां? राज ठाकरे का विरोध इसलिए हो रहा है कि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है और 2008 से अपमान की यात्रा उनकी ये शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। मेरा एक लाइन का कहना है कि आप माफी मांगो, अयोध्या आओ, और माफी नहीं मांगते हो तो अयोध्या में आने नहीं देंगे। आने का प्रयास करते हैं तो क्या क्या हम आपको फर्जी आदमी दिखाई पड़ रहे हैं क्या? नहीं, आपको आपको लगता है फर्जी आदमी है हम? हम रणनीति आपको क्यों बताएं? अब रणनीति देखना है तो कल तैयारी बैठक है, केवल एक तैयारी बैठक है। 50,000 से 49,000 रहेंगे तो मुझको बता देना कि मैं अपना आंदोलन बंद कर, तैयारी बैठक है। अरे राज ठाकरे भगवा नहीं है, कालनेमी है, वो कालनेमी है तो भगवा धारण किया है, हृदय परिवर्तन हुआ है ना, तो राम के वंशजों से माफी मांगे ना, राम के वंशजों से माफी मांग ले आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी चर्चा है कि आदित्य ठाकरे भी आ रहे हैं 10 तारीख को आ रहे हैं, उनका उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा महाराष्ट्र के लोगों से विरोध नहीं है, मेरा राज ठाकरे से विरोध है, जिसने मजदूरों को मारा है, जिसने विद्यार्थियों को मारा है, जिसने अखबार वालों को मारा है, सिनेमा वालों को मारा है, मजदूरों को मारा है, उससे विरोध है, महाराष्ट्र से मेरा विरोध नहीं है। मंदिर का तो कोई भी दर्शन कर सकता है, उनके बाप ना ही कह सकते हो बिना माफी मांगे। ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है और ये उत्तर भारतीयों का मुद्दा है और ये मुद्दा मेरा आज का नहीं है। ये 2008 से मैं तलाश रहा था कि श्रीमान जी कहीं मिल जाएं, मिले नहीं, क्योंकि वो एक दरबे में रहते हैं, दरबे में, वो मुंबई के बाहर नहीं निकलते, वहाँ पीटते हैं लेकिन मुंबई के बाहर नहीं निकलते हैं, हैं पहली बार निकल रहे हैं। इसलिए मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ, हम सब लोग, आप भी राम के ही वंशज हैं और जिन राम के वंशजों को वो पीटते थे, आज उन्हीं का राम का दर्शन करने आ रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, तो आओ, कोई दिक्कत नहीं, अयोध्या सबकी है, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने के पहले जिनको भी आपने तकलीफ दी है, अगर नहीं दी है तो कह दो कि हमने नहीं दी है, कह दो, और आगे नहीं देंगे तो वहाँ मारोगे, यहाँ दर्शन करोगे? देखिए ऐसा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, ये एक दिन का मसला नहीं है। 5 तारीख को उन्होंने घोषणा किया है और वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो कल मैंने साधु संतों के नेतृत्व में एक जो है तैयारी बैठक यात्रा निकाली है और जो मेरे गांव से, मेरे घर से निकलेगी और नंदनी नगर में एक सभागार में आकर के वो सभा के रूप में परिवर्तित होगी और क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कार्यक्रम बनेगा। और हमको उम्मीद है कि कल जो तैयारी बैठक है, तैयारी यात्रा है, वो यात्रा नहीं, तैयारी यात्रा है, कम से कम 50,000 और लाख की भी संख्या हो सकती है।